नमस्कार, सुमास किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम बना लेते हैं कटहल का बीज का पराठा, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो यहाँ पर पहले मैं कटहल जो है उसको मैं तोड़ ऐसे काट लूँगी बीज से। और कटहल काटने से पहले हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेने से हाथ में चिपकता नहीं है। और इसके अंदर जो पल्प है उसको मैं निकाल लूँगी। तो देखिए यहाँ इसका अंदर जो बीज है मैं इसको निकाल लूँगी और बीज को मैं धो के और उसको एक दिन धूप में रख दूँगी तेज सूख के। तो यहाँ पर देखिए एक दिन धूप में रखने के बाद सूख गया है। इसको मैं एक सुपारी काटने वाला से काट लूँगी और इसको ऐसे बीज से काट के और इसको जो सफ़ेद रंग का इसका छिलका है मैं इसको निकाल लूँगी। थोड़ा सा सख्त होता है तो इसको निकाल लेना है। और ऐसे करके मैं सारे बीज का छिलका निकाल लूँगी। कटहल का बीज का जो पराठा होता है खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो यहाँ पर ऐसे करके मैं सारे बीज का जो छिलका है उसको निकाल लूँगी। और यहाँ पर देख सकते हैं मैं इतना सारा कटहल का बीज का छिलका निकाल कर रखी हूँ। तो इसको मैं एक बार धो लूँगी, धो के और इसको कुकर में ढाल के दो सीटी लगा लूँगी। इसको मैं धो के कुकर में ढाल दे रही हूँ और इसमें मैं आधा गिलास पानी डाल दूँगी और इसको दो सीटी लगाने से ये पक जाएगा। तो कटहल का बीज का जो पराठा होता है खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो यहाँ पर मैं उसके लिए दो प्याज और एक बड़ा साइज का मैं लहसुन का कलिया लेकर रखी हूँ। तो उसको अच्छा से छील लूँगी, उसके बाद मैं इसको धो के और छोटे छोटे चॉप कर लूँगी। यहाँ पर लहसुन प्याज और हरी मिर्च को धो के मैं ले ली हूँ। अब मैं इसको छोटे छोटे काट लूँगी। बहुत ही टेस्टी पराठा बनने वाला है। यहाँ पर मैं सभी चीज़ों को छोटे छोटे काट ली हूँ। अब मैं यहाँ पर जो कटहल का बीज को पका के रखी थी तो वो भी ठंडा हो गया था। मैं कुकर खोल दूँगी और कुकर में से मैं इसको निकाल लूँगी। यहाँ पर देख सकते हैं ये अच्छा से पक गया है। इसको अब मैं एक थाली में निकाल लूँगी और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी। फिर पकने के बाद ये थोड़ा सा इसका जो पानी है थोड़ा सा लाल कलर का हो गया है, क्योंकि इसमें जो छिलका होता है तो उससे थोड़ा सा कलर निकलता है। यहाँ पर ठंडा होने के बाद मैं इसका जो ऊपर का छिलका है लाल रंग का उसको भी मैं निकाल लूँगी। इसको निकाल के पराठा बनाने में टेस्टी बनता है। कटहल का बीज से आप दाल, पराठा, सब्जी, चोखा कुछ भी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और यहाँ पर मैं सभी जो कटहल का बीज का छिलका मैं निकाल कर रख ली हूँ। ज़्यादा समय नहीं लगता है, 10 मिनट में छिलका निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये सब छिलका है, इसको मैं फेंक दूँगी। छिलका का कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको मिक्सी के जार में ढाल दूँगी और इसको ढक्कन लगा के मैं इसको पीस लूँगी। तो यहाँ पर कटहल का बीज जो है वो भी पीस गया है, देखिए। अब मैं इसको निकाल लूँगी एक प्लेट में। मैं पहले से थोड़ा सा पीस के रखी हूँ और इसको निकाल लूँगी। और इसमें थोड़ा सा अगर गुठली हो तो हाथ से मैश करने से मैश हो जाता है। अब मैं कढ़ाई में सरसों का तेल ले रही हूँ 2 चम्मच। उसमें मैं साबुत जीरा आधा चम्मच, 2 सूखी लाल मिर्च को काट करके उसको ढाल दे रही हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा पका लूँगी। पकाने के बाद मैं इसमें लहसुन, हरी मिर्च और प्याज को सुनहरा होने तक अच्छा से भून लूँगी। तो प्याज को मैं थोड़ा सा भून लूँगी। तो यहाँ पर प्याज जो है वो भी भून चुका है। तब मैं स्वाद अनुसार नमक मिला दूँगी और यहाँ पर जो मैं कटहल का बीज को पीस के रखी हूँ तो उसको भी ढाल दूँगी और इसको भी मैं थोड़ा सा मिला लूँगी। आप चाहे तो इसमें गरम मसाला भी दे सकते हैं और जीरा धनिया का पाउडर भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी का पाउडर दे रही हूँ। ज़्यादा मसाला मैं इसमें नहीं दे रही हूँ, सिंपल सा पराठा बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छा से मिला लूँगी। और मिलाने के बाद अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल के रख दूँगी ठंडा होने के लिए। उसके लिए मैं अब आटे का डो लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैं 1 कप आटा लेकर रखी हूँ। इसमें थोड़ा सा मोइन ढाल दूँगी और मोइन देने के बाद मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी ढाल के इसका नरम सा डो बना लूँगी। अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी ढाल दूँगी और इसको जैसे हम लोग रोटी या पराठा बनाते हैं वैसा ही इसका डो बना के तैयार कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं नरम सा डो मैं बना के तैयार कर ली हूँ। अब मैं इसको साइड में रख दूँगी और यहाँ पर जो कटहल का बीज का स्टफिंग है तो उसको भी मैं थोड़ा सा हाथ से मैस कर दूँगी। इसमें अगर कोई गुठली होगा तो वो मैस हो जाएगा। इसको आप चाय के साथ खा सकते हैं या रायता के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। यहाँ पर मैं अब जो आटे का डो है उसको हाथ में थोड़ा सा ले लूँगी और इसको मैं ऐसे कटोरी जैसा बना के और इसमें जो मैं कटहल का बीज का स्टफिंग है उसको मैं भर दूँगी। यहाँ पर लगभग 2 चम्मच जैसा मैं इसमें भर दूँगी।
तो बहुत ही टेस्टी पराठा बनने वाला है और बहुत ही बढ़िया सा लगता है। तो ज़रूर एक बार आप लोग भी बना कर ट्राई करिएगा, तो ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसको अब एक चकले पर मैं इसको बेल लूँगी। थोड़ा सा आटा ऊपर से मैं इसको रस करके और इसको मैं बेल के तैयार कर लूँगी, कि थोड़ा सा मोटा ही रखना है। अभी मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, खांसी हुआ है, तो यहाँ पर मैं अभी ऐसे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है बात करने में। तो यहाँ पर मैं जो पराठा है उसको थोड़ा सा मोटा ही रखूँगी, ज़्यादा पतला नहीं करना है। यहाँ पर देखिए, ऐसे करके मैं इसको मोटा सा बेल के तैयार कर लूँगी। देख सकते हैं इतना ही मोटा रखना है। और यहाँ पर देख सकते हैं फटा भी नहीं है, साइड से निकला भी नहीं है। तो यहाँ पर तवा गर्म है, तवा में अब मैं पराठे को ढाल दूँगी और दोनों तरफ से सरसों का तेल लगा के अच्छा से मैं इसको उलट पलट के अच्छा से इसको सेक लूँगी। इसको सरसों के तेल में ही सेकने में अच्छा लगता है खाने में, तो इसको अच्छा से मैं सरसों का तेल लगा के और दोनों तरफ से इसको अच्छा से इसको क्रिस्पी होने तक मैं इसको सेक लूँगी। कि कटहल का बीज का पराठा आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मैं इसको पलट दूँगी और एक तरफ से सीख गया है तो इसको दूसरा तरफ से भी अच्छा से मैं इसको सेक लूँगी। ऐसे करके मैं सारे पराठे ऐसे ही बना लूँगी। यहाँ पर देख सकते हैं पराठा जो है बन गया है और बाकी का जो पराठा है उसको भी ऐसे ही सेक के तैयार कर लूँगी। यहाँ पर मैं प्लेट में थोड़ा सा कटहल रखी हूँ और साथ में जो पराठा बनाई हूँ तो उसको रख रही हूँ। एकदम नरम पराठा बन के तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप चाहे तो इसमें प्याज को कच्चा भी दे सकते हैं। मेरा रेसिपी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।